जिज्ञासा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जिज्ञासा खड़े राज्यपाल से पुरस्कार प्राप्त कर रही थी। आंखों में खुशियां और खो गई वह सपनों में, उन यादों में जो उसने बिताए थे अपने छोटे से कस्बे में। यह कहानी है जिज्ञासा की। जिज्ञासा और मुनमुन। एक छोटा सा कस्बा है डायटपुर। वहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे व मेहनतकश इंसान थे। उसी कस्बे में रहती थी एक प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया जिसका नाम था मुनमुन। यूँ तो मुनमुन छोटी थी पर उसके पास सवालों का भंडार था। वह जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को देखती और सोचती, ये क्या है, कैसे है, क्यों है, उसके पास सवालों की झड़ी थी। लोगों को उसकी प्यारी आवाज में प्रश्न पूछना तो बहुत अच्छा लगता था। लोगों ने उसका नाम ही रख दिया जिज्ञासा और इस तरह वह मुनमुन से बन गई लोगों के लिए जिज्ञासा। पर जिज्ञासा के प्रश्नों को उत्तर देना आसान न था। बादल का रंग नीला क्यों होता है, घास हरी क्यों होती है, पक्षी कैसे उड़ते हैं, मछलियां कैसे तैरती हैं और फूलों में खुशबू कैसे होती है, बिजली कैसे आती है, मकान कैसे बनता है, तमाम प्रश्न थे उसके। उसकी ऐसी जिज्ञासाओं को देखते हुए उसके पिताजी ने, जो कि स्वयं एक अध्यापक थे, उसको अच्छी अच्छी किताबें, ज्ञान वर्धक किताबें तैयार करने लगे। कस्बे के लोगों ने विद्यालय विद्यार्थियों ने सहयोग किया और कई ही छोटी सी मुनमुन और जिज्ञासा आज एक युवा वैज्ञानिक के रूप में उत्सुक हो रही है। तो इस कहानी के माध्यम से जिज्ञासा बच्चों के बीच में यह प्रेरणा देना चाहती है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, सुनिए, सोचिए, समझिए और पूछिए। जब आप पूछेंगे, उसका समाधान करेंगे, तभी आपको उसका हल मिलेगा। तो ये हमारी जिज्ञासा की कहानी है। उसे पुरस्कार मिल रहा है। सर कृपया पुरस्कार दीजिए मुझे। आप उसका